नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर नेहा पांडे और आपका स्वागत है एक और एपिसोड में जिस और उस प्रोग्राम का नाम है करियर टॉक्स। इस प्रोग्राम में पहले भी आपसे रूबरू हुए हैं हम नए नए करियर लेके। पहले हमने बात करी लॉ के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, नर्सिंग, इस तरह के बहुत सारे एपिसोड्स हम आपको पहले दिखा चुके हैं। और आज के एपिसोड में हम नया कुछ लेकर आए हैं जिस फील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल और डिमांडिंग करियर है, और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उस एपिसोड तो आज के एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मिस्टर विवेक शर्मा जी। थैंक यू मैम। सर, यू वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और मैं थोड़ा सा सर के बारे में बता दूँ, सर एमटेक हैं आईटी फील्ड में और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से सर ने एमटेक किया हुआ है और मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर को आईटी के फील्ड में। तो सर से कुछ हम ऐसी बातें जानना चाहेंगे जो आप सब बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। सर, इस फील्ड में आने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं आईटी फील्ड में, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह के बच्चे आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं इस आईटी फील्ड में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है मैम। अच्छा, बच्चा या तो बीसीए कर सकता है, अच्छा, या फिर आपका एमएससी आईटी कर सकता है, या फिर आपका एमसीए कर सकता है, अच्छा, और आपका एमटेक कर सकता है। अच्छा, और इसके अलावा आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी रहता है जो कंप्यूटर साइंस से आपका किया जा सकता है। ओके। सभी के डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जी, अगर हम बीसीए की बात करें जी, तो बच्चा एनी स्ट्रीम का हो, ट्वेल्थ के साथ आपका कॉमर्स, मैथमेटिक्स, आपका आर्ट्स, अच्छा, उसके साथ बच्चा आपका एंटर कर सकता है बीसीए में। अच्छा, और अपने पास एक प्लस पॉइंट क्या है, हमारी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा आपका एंटर कर सकता है, जबकि जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं हाँ, उसमें आपका मैथमेटिक्स का क्लोज कंपलसरी है, यानी हाँ केवल थोड़ी सी ऐसी धारणा है यस कि मैम बिल्कुल मैथ्स का बच्चा ही आईटी फील्ड में जा सकता एंटर है, कर सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग करना है तो मैथ्स बिल्कुल चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए बच्चे के पास पीसीएम कंपलसरी है, फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री मैथ आपका कंपलसरी है। लेकिन बीसीए कर सकता है बिना यस यस मैथमेटिक्स का मैम, बच्चा ये भी। प्लस पॉइंट है हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास चलिए, तो कि बहुत बच्चा अच्छी जानकारी डायरेक्ट दी एंटर कर आपने, सकते ताकि हैं, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि बिना मैथ्स का बच्चा भी आईटी फील्ड में अपना करियर बना अच्छा सकता है। बना सकता है। और बीसीए के लिए मैम आपके बच्चे के पास 12th में 48% मिनिमम क्राइटेरिया रहता है जो बच्चे अच्छा, फुलफिल करना पड़ता तो है, बहुत और जो ही आसानी नॉमिनल से सा है, आज के समय 48 तो बहुत मिनिमम बहुत आराम क्राइटेरिया से है, बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हाँ, इसमें एंटर कर सकते हैं आपका। अच्छा बीसीए के बाद बच्चे आपका एमसीए में कर एंटर कर सकता सकता है। है। और एमसीए के लिए पहले क्या था, प्रीवियस टाइम में एमसीए 3 ईयर्स का आपका मास्टर डिग्री कोर्स था, और जी, लास्ट 2 ईयर्स से आपका एमसीए 2 ईयर्स का हो गया है। तो अच्छा, बीसीए प्लस एमसीए आपका 5 ईयर्स का आपका कंप्लीट बीसीए प्लस एमसीए एमसीए हो जाता है, कंप्लीट हो जाता तीन है मैम। साल में कंप्यूटर प्रोफेशनल बन के बच्चा अपने आप को इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकता है बहुत ही अच्छे से। अगर हम एमटेक की बात करें तो बीटेक के बाद आपके पास एमटेक के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जी एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एमटेक जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन आईटी। अच्छा, तो 4 ईयर्स का आपका बीटेक एंड 2 ईयर्स का आपका एमटेक। ओके। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होने लगे हैं यस बीटेक मैम एमटेक, जिसमें जी जी 6 साल में ही हो जाती है पढ़ाई। बिल्कुल मैम ओके। तो सर, अब जैसे बच्चा, हर बच्चा चाहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या जी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनूं, लेकिन हर बच्चे में वो क्वालिटी नहीं होती है, हर बच्चे का वो एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो किस तरह का एप्टीट्यूड बच्चे में हो ताकि वो सोचे कि हाँ, मैं इस आईटी सेक्टर में जाऊं? क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, कैसा बेंट ऑफ माइंड बच्चे का होना बिल्कुल मैम, चाहिए? इसके लिए बच्चे का लॉजिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए, अच्छा लॉजिक परस्पेक्टिव थोड़ा सा बच्चे क्लियर होना चाहिए, थोड़ा जी फ्यूचर आस्पेक्ट से वो प्लान कर सके, सोच सके, एप्टीट्यूड जी स्किल्स बच्चे के अंदर अच्छी होनी चाहिए अच्छा, ताकि वो प्लान कर सके मैम, मतलब लॉजिकल क्लियर माइंड होना हो, थोड़ा चाहिए। एप्टीट्यूड स्किल्स हो, बिल्कुल मैम इस तरह से अगर बच्चा जी। है तो वो आईटी फील्ड में तो अपना अच्छा मेनली मैम करियर इसमें बना क्या रहता है, सकता है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रहता है आपका, और ओके। प्रोग्रामिंग के लॉजिक क्लियर होना चाहिए हाँ, बच्चे ये में। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा जब शुरुआत से बच्चे का ये इंक्लिनेशन होगा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, बिल्कुल मैम, तो तैयारी अभी से बच्चा अभी से करने लग करते जाएगा। हैं। 10th के बाद वाले बच्चे भी अपना एप्टीट्यूड पे और लॉजिकल रीजनिंग पे अगर ध्यान दें तो आईटी फील्ड में अपना करियर बहुत अच्छा बना बखूबी सकते बना हैं। सकते हैं। तो सर, आईटी फील्ड की इतनी चर्चा होती है, सब जगह हम देखते हैं कंप्यूटर्स की जरूरत है, तो इसकी क्या संभावनाएं हैं? व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, इफ आई वुड आस्क यू, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड ग्लोबली, इफ आई से, जी इंडिया में भी और बाहर, क्या संभावनाएं हैं मैम, इसमें इसकी? मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास, कैरियर ऑप्शन हैं, अच्छा, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है। ओके प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे मल्टीपल कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, जी इन्फोसिस की बात करें, हनीवेल की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो जी बच्चा कितना भी अर्न कर सकता है, अच्छा और ये सारी कंपनीज आपके अब्रॉड में भी अवेलेबल है आपकी। अच्छा और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें यहाँ पर आपका, तो ऐसा इंडिया कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ जी पर बच्चे कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा एलिजिबल ना हो ना, आपका। अगर हम अच्छा बीएसएनएल की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, बैंकिंग अच्छा सेक्टर्स की बात करें, जी बैंकिंग में सेपरेट सेपरेट वैकेंसी निकलती है जी आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अच्छा बैंकिंग में आपका। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की बात करें तो वहां पर जी आपका इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है आपकी। अच्छा रेलवे एंड इसरो, इसमें भी आपकी सेपरेट वैकेंसी निकलती है। तो मल्टीपल कैरियर ऑप्शन हैं, और हर डिपार्टमेंट की सेपरेट फिक्स वैकेंसी रहती है जहाँ पर अच्छा बीसीए और एमसीए वाले बच्चे एलिजिबल है। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने कि उसमें मतलब गवर्नमेंट, यस प्राइवेट प्राइवेट
और मल्टीनेशनल कंपनीज में सभी जगह बच्चे आईटी फील्ड में जा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स अ लॉट. अगर आप दोबारा आपसे मिलते रहेंगे हम करियर टॉक्स के नए एपिसोड में नए करियर लेके. थैंक यू सो मच, नमस्कार.